आज की हमारी वीडियो है टाइप्स ऑफ पैसेंजर एयरप्लेन्स के बारे में। हम में से काफ़ी लोग फ्रीक्वेंटली एयर ट्रैवल तो कर चुके हैं और डिफरेंट एयरलाइंस पे डिफरेंट किस्म के प्लेन्स पे भी कर चुके हैं, लेकिन हमें कम ही है हम में से जिनको मालूम होगा कि किस पैसेंजर एयरप्लेन का क्या नाम है या उसकी क्या फीचर्स हैं, उसकी क्या स्पेशलिटीज़ हैं। नंबर 10 पे एयरबस A330-300 जो कि फ्रांस का मैन्युफैक्चर्ड है। एक बात याद रखिएगा, जो एयरबस में वो 250 से 440 तक पैसेंजर इजीली अकोमोडेट हो सकते हैं कैबिन सिस्टम में। आप में से काफ़ियों ने इसमें सफ़र किया होगा। इसके बाद आती है नंबर 9 पे एयरबस A340-300। इस तरह के जहाज में अगर सिंगल कैबिन सिस्टम है तो 295 पैसेंजर्स इजीली अकोमोडेट हो सकते हैं। ये भी फ्रांस का मेड है और काफ़ी कॉमन है। नंबर 8 पे आती है एयरबस A340-500। इसको देखा जाए तो इसमें 372 तक पैसेंजर्स आ सकते हैं। इस तरह के काफ़ी जहाज़ आपने इतिहाद एयरलाइंस के पास देखे होंगे। इतिहाद एयरलाइन में आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने ट्रैवल किया होगा। 7 पे आता है एयरबस 350-900। एयरबस जितने भी हैं सब फ्रांस के हैं। इसमें 300 से 350 तक पैसेंजर्स आ सकते हैं, डिपेंडिंग कि उनका क्लास सिस्टम क्या है, सिंगल क्लास है, डबल क्लास है या सिर्फ इकोनॉमी है, इस पर डिपेंड करते हुए इसकी तादाद हो सकती है डिफरेंट। नंबर 6 पे आता है बोइंग 777-200 जिसमें इजीली 440 पैसेंजर्स आ सकते हैं। अब बोइंग जितने भी जहाज़ हैं वो सारे अमेरिकन हैं, एयरबस फ्रेंच हैं और बोइंग सारे अमेरिकन हैं, ये डिफरेंस है इनमें। इसके बाद नंबर 5 पे एयरबस A340-600 आ गई। ये भी काफ़ी कॉमन है एयरलाइंस के पास और इसमें अगर सिंगल क्लास कैबिन सिस्टम हो तो 480 तक पैसेंजर इसमें आराम से आ सकते हैं, अगर ऑल इकॉनमी वाला या सिंगल क्लास कैबिन सिस्टम इंप्लीमेंट किया गया हो इसमें तो। इसके बाद आता है बोइंग 777-300। ज़्यादातर इस तरह के जहाज़ एमिरेट्स एयरलाइन के पास हैं और हम में से काफ़ी लोगों का एमिरेट्स पे तो ट्रैवल करने का एक्सपीरियंस होगा। अगर इसमें सिंगल क्लास कैबिन सिस्टम हो यानी ऑल इकॉनमी तो कोई दूसरी क्लास नहीं, तो इसमें 550 तक लोग इजीली अकोमोडेट हो सकते हैं। सबसे ज़्यादा ये एमिरेट्स एयरलाइन के पास हैं। इसी पे आता है बोइंग 747-400। ये भी बड़ा जहाज़ है और इसमें 640 तक पैसेंजर आराम से अकोमोडेट हो सकते हैं। इस वीडियो में आप इसका थोड़ा सा इनर कैबिन देख लेंगे, ये इकॉनमी कैबिन है, 640 पैसेंजर इसमें इजीली आ सकते हैं अगर सिर्फ इकॉनमी कैबिन रखा जाए तो। यानी काफ़ी बड़ा जहाज़ है ये भी और ये भी अमेरिकन मेड है क्योंकि बोइंग है। नंबर 2 पे भी आता है बोइंग 747-8। ये भी बड़ा जहाज़ है और इसमें अगर सिंगल क्लास कैबिन सिस्टम हो तो 700 तक पैसेंजर्स आ सकते हैं आराम से। आप इसकी वीडियो देखें, वीडियो में थोड़ा सा इंटीरियर और बाकी इसका टेक ऑफ दिखाया गया है, नेशनल जियोग्राफिक की वीडियो है, उनको क्रेडिट्स जाते हैं इस वीडियो के लिए। नंबर 1 पे एयरबस 380-800 है। आज तक जितने भी पैसेंजर एयरप्लेन्स हैं उसमें करंटली ये सबसे बड़ा जहाज़ है। अगर इसमें सिंगल क्लास कैबिन सिस्टम रखा जाए तो ये 853 तक इसमें पैसेंजर्स आ सकते हैं। अगर हम बात करें पाकिस्तान की तो पाकिस्तान में सिर्फ एक ही एयरपोर्ट है, इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो नया बना है, वो इस जहाज़ को होस्ट कर सकता है। बाकी हमारे एयरपोर्ट अभी इतने कैपेबल नहीं है या उनकी रनवेज या लैंडिंग एरिया छोटा है। इनमें से किस प्लेन में आपने सफ़र किया है कमेंट में ज़रूर बताइएगा।